बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जितने भी आप जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं टेलीविजर्स, आप इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे वो पीएचई टेलीविजर्स हो, पीडीडी हो, एनवाईसीज या होम गार्ड्स हो, चाहे वो एसपीओज हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे टेलीविजर्स भाई, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी के लिए जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है, एक इंफॉर्मेटिव अपडेट आप सभी के लिए सामने निकल कर आ चुकी है। अपडेट जानना आपको बेहद जरूरी है, आप सभी की पेंडिंग वेजेस को लेकर, आप सभी की सैलरी को लेकर, आप सभी की रेगुलाइजेशन पॉलिसी को लेकर जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन ये सब देखने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है सबसे पहले जो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए एक नज़र पहले आप इस अपडेट पर डालते हैं, फिर जो हम आगे बात करेंगे। हाँ, पिछले लगातार 538 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है डेली वेजर के साथ आज भी इंसाफ करने में विफल साबित हुआ है। और डेली वेजर ने पहले दिन ये कहा था कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमारा स्पष्ट ये कहना है कि एलजी प्रशासन के लिए संदेश भी है कि जब तक डेली वेजर की रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं होती, डेली वेजर तब तक अपने हक के लिए लड़ता रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जितने भी हमारे डिविजन है, सभी डेली वेजरों से ये अपील करना चाहता हूँ कि पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दोबारा करने के लिए तैयारी में है, और आप सभी लोग अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार रहें, क्योंकि किसी भी वक्त जम्मू में एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। और मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एलजी साहब, जो आपने तीन तीन बार वादे किए हैं, आप खुद कहते हैं कि मैं जो वादा करता हूं वो पूरा करता हूं, आप जो डेली वेजरों के साथ वादे कर चुके हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा करें, वरना पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट फिर एक बार आपको सड़कों में नजर आएगा। जैसी एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने जो 22 जून 2022 को अपने हक सच और मान सम्मान के लिए जो लड़ाई शुरू की थी, हमारी लड़ाई वो निरंतर जारी है। आज 538 दिनों में, इन 538 दिनों में तो आपने भी देखा सांबा में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, और हम दोबारा से जम्मू प्रोविंस में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम देने जा रहे हैं। इसलिए ये सांबा के साथियों की तरफ से हमें बुलाया गया था, हम भी उनकी हौसला अफजाई करेंगे, यहाँ पे आए। हमारी मुख्य डिमांड जो है SRO 64 का रेगुलाइजेशन, पेंडिंग वेजेस जो 72 महीने का, कहीं 75 महीने, कहीं 85 महीने का, उसके साथ साथ जो हमारे साथियों की 7 साल के होके घर चले गए उनकी पेंडिंग और पेंशन का इंतजाम, चौथी हमारी डिमांड जो हमारे साथियों की डेथ हो गई है, कुछ लोगों को अभी पैसे मिले, कुछ को पैसे नहीं मिले, उसके साथ साथ हमारे साथी ना कि साथी को गवर्नमेंट किसी भी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे कोई और भी योजना हो, चाहे 2 रुपए किलो सस्ता राशन हो, हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। हमें अगर अपनी पेंडिंग वेजेस अपने बच्चों के लिए निकालनी हो, जो बच्चा ठीक ना हो या उसकी एजुकेशन निकालनी हो, तो हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। आपके माध्यम से सरकार को ये लास्ट चेतावनी है, और डेली वेजों को अपील है कि दोबारा अपनी लास्ट लड़ाई के लिए खड़े हो जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा दिया। किसी भी टाइम जनवरी में इलेक्शन पार्लियामेंट की अनाउंस हो सकती है, हम लोग अब किसी का ध्यान नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी पार्टी में नजर रखो, अपने बच्चों में नजर रखो, अपने 28-30 साल जो इस डिपार्टमेंट दे दिए उसको वसूली करने का टाइम आया है। और हम ये उम्मीद करेंगे कि डेली वेजर अपने हक साथ मान सम्मान के जरूर घर से निकलेंगे, और सरकार को हमारी जय डिमांड माननी पड़ेगी। लगातार 538 दिन का सारा कार्यक्रम जरा ये चला रहा है जम्मू बीसी रोड, इसे कार्यक्रम की एक अच्छे जंगन है, एक रूपरेखा देने तई सांबे तो एक बार फिर शुरुआत की गई है। जम्मू की जिन्हें डिवीजन है ना, उन्हें डिवीजन च हर डेली वेजर एक्टिवेट करने तई ये कार्यक्रम को शुरू किया गया। आने वाले टाइम च बड़ी जल्दी अस जहां तक जम्मू बंद करने तो जहां पानी बंद करने की कॉल पर उतरने जा रहे हैं, बड़ी जल्दी यदि डेट तो अनाउंस की थी जाग, मगर जिन्ने चिर थोड़ी पॉलिसी नहीं तो इन्ने चिर थोड़ी घर वापसी नहीं, ये डेली वेजर अपनी जान हथे नहीं रखी है, 538 दिन लगातार चला रहा है। तो एल जी प्रशासन की तुम्हें माध्यम ने साडा स्पष्ट मैसेज है, CID को वेरीफिकेशन करना छोड़ दो, जो लीगल काम बनता है SRO 64 के तहत साड़ी रेगुलेशन पॉलिसी, तो जो 70 महीने का पेंडिंग है वो क्लीयर कर, और सू SRO 64 के तहत सू परमानेंट किया जा। ये टरकाओबाजी जो तुम्हारा नीतियां ने ये हूं चलनिया नहीं, ना सप्रांत ने चल देनिया। रविहंस मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट, आज जो हमारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन सांबा में हो रहा है, जैसे कि हमारे फ्रंट ने जो
तह दिए है कि एक बड़ा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है। मैं ज्यादा कुछ कहने से नहीं कहता, जब भी हमारी सेंटर बॉडी कोई भी फैसला लेती है कि जिस दिन प्रोग्राम होगा हमारे सांबे का सभी डेली वेजर उसे निकलेगा और ईशानोशाना इनके साथ चलेगा और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है। मैं सभी डेली वेजरों को ये सूचित करता हूँ कि आने वाला जो प्रोग्राम होगा उसमें बच्चा का हिस्सा लें और इस प्रोग्राम को कामयाब करें, क्योंकि इलेक्शन आने वाली है। अगर इलेक्शन लॉस हो गए, कॉम्बा कंडक्ट लग गया तो आपका काम नहीं होगा। इससे पहले ही जो होगा होगा, नहीं वरना बाद में कुछ नहीं होगा। और सभी डेली वेजरों को ये सूचित किया जाता है कि आने वाले जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसमें बच्चा का हिस्सा लें। जो आपके सामने जो अभी हमारे गेह जी ने बोला है, रवि जी, ताजी, हुशार सिंह जी, जम्मू से आया हमारे सेंटर बॉडी है, ये सांबा से आगाज शुरू होने जा रहा है। 5-6 महीने हो गए हमें, हम अगर में बैठे थे, ये दौरा हम एक सांबा से शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम। ये हर डिस्ट्रिक्ट में होगा और आने वाले दिनों में जैसे उन्होंने बताया कि एक बड़ा बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, पानी भी बंद हो सकता है, रोड बंद हो सकता है, उसकी डेट ये अनाउंस करेंगे। मैं